बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहा है शोरमा, तो मैंने सोचा आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। ये मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल के और ये जो मैं इसके अंदर मीट डाल रही हूँ, ये मैंने घंटा पहले इसको ये चिकन टिक्का मसाला और वाइट विनेगर लगा के मैरिनेट करके रख दिया था। उसके बाद अब मैं इसको ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। और ये मेरे पास जो है वो डॉन की जो है वो ब्रेड है, शोरमा के ब्रेड है, मैंने ये ले लिया रेडीमेड ही। तो अब आप जो है वो इसी तरह अपना बना के, क्योंकि मुझे जो है वो घर में अजान शोर कर रहा था तो मैंने उसके लिए जल्दी जल्दी से बनाया। अब मैं यहाँ सॉस बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मुझे चाहिए था मायोनीज़। 3 टेबल स्पून मायोनीज़ मैंने ले लिया। अब उसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून जो है ये नमक और ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, और जो है वो और साथ जो है मैं इसमें ये नमक और ब्लैक पेपर डाल दिया। अब मैं साथ ही इसके अंदर 3 टेबल स्पून जो है ये केचप डाल रही हूँ, टोमाटो केचप, ठीक है। तो ये सॉस भी आप इजीली घर में तैयार कर सकते हैं। मैं भी जो है वो घर में ही जो चीज़ें अवेलेबल थी उन्हीं से ही तैयार कर रही हूँ, ताकि जो है वो बच्चा भी खुश हो जाएगा और जो कुछ है उससे बन जाएगा। अच्छा, सैलेड मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि जहान को सैलेड पसंद नहीं है, तो मैं सैलेड के बगैर ही बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक पैन को ग्रीस कर लिया, ऑयल लगा लिया। अब मैं जो शोरमा की ब्रेड है उसको हल्का हल्का सा उसमें फ्राई कर लूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैं उसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। सारी एक पैकेट के अंदर से 4 ब्रेड्स निकली हैं, तो ये मैं इनको फ्राई करके रख रही हूँ पास, ठीक है। तो अब आप लोग भी इसी तरह कर सकते हैं कि आप भी बच्चों को खुश करने के लिए घर में फटाफट से किस तरह बनते हैं आप लोग बना सकते हैं घर में। और जो है ये अब मैंने जो है सब कुछ फ्राई करके रख दिया है। ये ब्रेड भी मेरी रेडी है, सॉस भी रेडी है, और ये जिन चीज़ों से मैंने शोरमा बनाया है मेरी चीज़ें रेडी हैं। अब जो बस सिर्फ मीट का इंतज़ार है। मैंने ये टिक्के का कितना छोटे छोटे गोश्त को जो है ना छोटे छोटे बारीक पीसों में काट लिया था, और अब मेरा चिकन मीट रेडी हो गया। अब मैं जो है वो इसकी असेंबलिंग कर रही हूँ। मैंने ब्रेड के ऊपर ये जो सॉस आपके सामने बनाई थी, ये सॉस इसके ऊपर अच्छे से लगा रही हैं। और सॉस लगाने के बाद आप इस पे सैलेड रख सकते हैं, लेकिन मैंने सैलेड स्किप किया हुआ है क्योंकि मेरे घर में नहीं खाते, बच्चे को भी नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने सैलेड नहीं डाला। आप लोग डालना चाहें तो इस टाइम पे आप इसमें सैलेड भी डाल सकते हैं। और अब ये मैं इसके अंदर जो टिक्का है, टिक्के बने हुए मेरे, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। तो मैंने बहुत बारीक बारीक पीस लिया, लेकिन अगर आपके बड़े पीस हों तो आप उनको छुरी से काट के छोटा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अपनी मर्ज़ी से जितना आप चाहें उसको फिल कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अभी आप देखिए रैप कैसे करना है कि ब्रेड को एक साइड से इस तरह उठा के और दूसरी साइड इसके ऊपर रख के, अब इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए मैं बीच में इनके टूथपिक लगा दूँगी इस तरह, ताकि जो है वो ये खुले ना, और इसी तरह अब यूँ ही इसी तरीके से मैं सारे जो है शोर में रेडी कर लूँगी। ये देखें, मैं आपको टूथपिक लगाने का तरीका बता रहा हूँ। ऐसे लगाएं जैसे आप सुई से इस तरह स्टिच कर रहे होते हैं ना, ये इस तरह, इससे ये होगा कि बहुत अच्छा टाइट हो जाता है। मैंने सारों की इस तरह से टाइट करके लगा दिया, वो फिर आप खुलता नहीं है। और यहाँ पर अजहान आपको बता रहा था कि भाई उसको टेस्ट कैसा लगा है, सारे घर वालों को उसका टेस्ट कैसा लगा, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो अजहान को तो बहुत पसंद आया था और वो बहुत खुश भी था, क्योंकि उसको वो बहुत फरमाइश कर रहा था शोरमे की। तो अब आप यहाँ मुझे दें इजाज़त, और मुझे आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। खुदा हाफ़िज़।